हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब पे सर्च कर करके थक गए हो कि आपको एक बहुत ही अच्छा बैकअप वाला इन्वर्टर चाहिए, जिससे फ़ैन भी चल सके, टीवी चल सके, आपका बल्ब जल सके, एलईडी लाइट चले और टेबल फ़ैन भी चले। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये जो स्क्रीन पर जो फोटोज चल रही हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं अपने जहां पे मैं काम करता था वहां नहीं हूं, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं फ़ोटो को लगा के आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको बैकअप चाहिए और बैकअप के साथ में आपको फ़ैन भी चलाना है, टीवी भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा कि ये 100 वाट का किट, ये जो आप फोटोज़ में चल रहा है, ये किट आपको मंगाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 100 रुपये में आ जाएगा। और आपको चाहिए एक UPS का ट्रांसफार्मर, तो मैं आपको बता दूं कि UPS का ट्रांसफार्मर जो है वो आपको कबाड़ी में मिल जाएगा या फिर खराब दुकान पर, ये जो आप देख रहे हो फोटो में, ये ट्रांसफार्मर आपको चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन है कि ये 12012 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 12012 नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है वीडियोज़ कि आप 12012 कैसे बना सकते हो नॉर्मल UPS के ट्रांसफार्मर को। तो UPS का ट्रांसफार्मर बहुत ही काम का होता है और आप फोटोज़ देख सकते हो कि इसी ट्रांसफार्मर से मैंने 500 वाट का जो इन्वर्टर है मैंने बनाया हुआ है। तो सिंपल सा आपको एक किट लेना है, एक ट्रांसफार्मर लेना है, और इसकी कनेक्शन कैसे करनी है मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है और आप जाके आराम से उसको बना सकते हो। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।